वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में एक नए गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर जॉब के काफी सारे प्लस पॉइंट्स हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी जो जॉब है इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है आपको। आपको सिर्फ जो आपके एग्जाम्स होंगे वो आपको देने हैं, आपको जो भी एग्जाम होगा वो आपको देना है। इसके अलावा स्किल टेस्ट वगैरह आपको देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। तो आप अगर ऐसे जन हो जिसे इंटरव्यू से डर लगता है तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी देखें तो वैकेंसी भी इसमें काफी अच्छी, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी है इसमें। 3000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल रही है जो कि अपने आप में काफी अच्छा नंबर है। वहीं अगर हम देखें और जो हमारे जॉब्स हैं उसमें 40-50 ऐसे वैकेंसी निकल रही है, तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो वैकेंसी इसमें काफी अच्छी है और वैकेंसी बढ़ भी सकती है आगे आपकी। अब बात कर लेते हैं इसके पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी इस नोटिफिकेशन का है, क्योंकि ये अभी हाल ही में ही निकला हुआ है। और इसमें जो एलिजिबल रहेंगे कोई भी 12th पास स्टूडेंट इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए इस पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग। और डिफिकल्टी लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो ये 12th पास वाली जॉब है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इसका नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारी ग्रेजुएशन वाली जॉब होती है उनका डिफिकल्टी लेवल ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होता है एज कम्पेयर टू 12th पास जॉब। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप अगर इस पर्टिकुलर जॉब की तैयारी भी करना चाहें तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर पाए और कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। ओके, तो ये पर्टिकुलर जॉब आपकी जो निकली हुई है एनटीपीसी में निकली हुई है, रेलवे में निकली हुई है। तो इसमें आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3445 है और इसके फॉर्म अभी हाल ही से स्टार्ट हुए हैं। 21st ऑफ सितंबर से 20 अक्टूबर तक इसके फॉर्म मतलब जो डेट्स हैं वो रहेंगी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, भी काफी लंबा टाइम है। आप आराम से इसको एक पैटर्न को देख लो, इसके नोटिफिकेशन को देख लो, इसके सिलेबस को देख लो, देन आप अप्लाई करिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके करेक्शन, मतलब अगर आपने इसका एक बार फॉर्म फिल कर दिया बट उसके बाद में आपको अगर करेक्ट करना है, कोई चीज आपने गलत कर दी है, तो फिर वहां आप करेक्ट भी कर सकते हैं। करेक्शन की जो विंडो ओपन होगी आपकी 23rd ऑफ अक्टूबर से 1st नवंबर तक रहेगी, लेकिन हाँ इसमें अलग से चार्ज रहेगा आपका। फॉर्म फीस आपकी 500 रहेगी जो आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं, और बाकी जो एससी एसटी हैं पीएच वालों के लिए 250 रहेगी। और ये जो फॉर्म फीस है ये आपकी रिटर्नेबल रहती है। ओके, तो यहाँ पे एससी एसटी वालों की 0 फॉर्म फीस हो जाएगी और जो आपकी जनरल वालों की है यहाँ पे 100 रुपीज फॉर्म फीस आप इसको मान सकते हैं। देन उसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एज की बात करें तो सारी ही पोस्ट में ना डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। सारी पोस्ट के लिए 18 से 33 एज रखी गई है ये इस साल 2024 में, क्योंकि ये ना वैकेंसी काफी लेट आई है इसलिए 18 से 33 रखी गई है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हो, 2025 में अप्लाई करोगे, तो उस टाइम पे 18 से 30 ही रखी जाएगी। तो अगर आप ऐसे जानो जिसकी 30 प्लस हुई तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जनरल वालों के लिए बता रही हूँ। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते, सॉरी ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका मैंने इसके जो भी फॉर्म फीस हो गई आपकी, ठीक है, एग्जाम मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, और कोई भी नॉर्मल 12th पास अप्लाई कर सकता है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब बात करते हैं इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न इसका 3 फेजेस में रहेगा, प्री, मेंस एंड देन आपका जो थर्ड फेज है वो होगा जिसमें आप इंटरव्यू नहीं होगा। तो जो फेज 1 रहेगा आपका वो 90 मिनट में आपको करना है, काफी अच्छा टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है। आपका फेज 1 90 मिनट में आपको करना है, 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मैथ, और यही तीनों सेक्शन आपके आएंगे मेंस में। मेंस में आपके बस ये कि थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, जैसे कि प्री में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, मेंस में आपके 120 आएंगे। तो आप जब प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो ऑटोमेटिकली उसी टाइम आपकी ना मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी, बट हाँ मेंस में थोड़ा डिफिकल्ट आएगा आपका, तो मतलब मैथ्स और रीजनिंग जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। तो आप उसके लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे तो आराम से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, निकाल लोगे। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब जब आपका फेज 1 क्वालिफाई हो जाएगा, देन आपका जो थर्ड स्टेज है स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट अगेन आपका ये टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, जो कि इंग्लिश हिंदी आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आपको मैं स्पीड भी बता देती हूँ, जब आपकी स्किल टेस्ट होगा इसमें आपका हिंदी की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए एंड इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। तो स्किल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, बाकी इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके जो एग्जाम्स हैं सीपीटी जो आपका टेस्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मैंने एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, फॉर्म फीस वगैरह आपको मैंने बता दी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो डिफरेंट पोस्ट में, इसमें 3-4 पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो क्या फॉर्म हमें मल्टीपल फॉर्म भरने हैं या फिर एक सिंगल फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंगल फॉर्म भरना है और एक ही एग्जाम देना है। प्रेफरेंस आपको वहां पे डालनी है अपने पोस्ट के अकॉर्डिंगली। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से पोस्ट को पहले प्रेफरेंस पे रखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ओके, तो ये आपका हो गया, मतलब आपको एक सिंगल ही एग्जाम देना है और सिंगल ही फॉर्म भरना है इसके लिए। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की, क्योंकि सैलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें जो डिफरेंट पोस्ट है उनमें एक पोस्ट के लिए आपकी सैलरी 45,000 अराउंड रहेगी,
ठीक है, और जो मतलब आपकी जो बाकी पोस्ट है उनमें आपकी सैलरी 40,000 अराउंड रहेगी, तो काफी अच्छी और अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है एज अ 12th पास स्टूडेंट अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो। और जितने भी लोग अभी इस साल 12th पास हुए हैं वो सब इस जॉब के लिए एलिजिबल है, सब अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो होप आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है इस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगी, स्लेवर्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी, आप वहां पे जाके इसके नोटिफिकेशन और स्लेवर्स को चेक कर लेना। एंड इसके अलावा कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।